इतने दिन से वेट कर रही थी कि मेरे 500K कब क्रॉस होंगे, कब क्रॉस होंगे, कब होंगे इंस्टाग्राम पे। मीन्स 1 मिलियन का हाफ। आई मीन अमेजिंग, इट्स अमेजिंग लाइक। और फाइनली हो गए, सो बहुत खुश हूँ मैं। एंड मेरे दोस्तों ने कुछ प्लान अप किया है, देखते हैं। तो अभी हम बाहर जाएंगे और सेलिब्रेट करेंगे। चलते हैं। आज का दिन अच्छा जाएगा ऐसा लग रहा है मुझे, बट ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हूँ सरप्राइज के लिए। लेट्स सी कि मुझे परफ्यूम बहुत पसंद है। ठीक है, चलो चलो। कार में हूँ और मुझे बिल्कुल प्लान अप नहीं है कि अभी हम कहाँ जा रहे हैं। शायद लंच के लिए जाएंगे, बिकॉज अभी लंच का टाइम भी हो गया है। सो ये है मेरे दोस्त जो सबसे ज़्यादा आइडियाज़ देते हैं मुझे व्लॉग्स के लिए। इनका नाम अजय है। सो ऐसे हम कहाँ जा रहे हैं। लंच मीटअप के लिए जा रहे हैं, सारे फ्रेंड्स मिल रहे हैं और हम सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन उतने में बारिश हो गई। बट फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं टाइम पे पहुँचने की। बहुत से ऐसे मेरे दोस्त हैं जिनके पास 2 व्हीलर है, ठीक है, किसी के पास एक्टिवा है, बाइक है, तो वो लोग बेचारे कहीं ना कहीं रुके हुए हैं शेड में, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पर। और देखते हैं हम टाइम पर पहुँच पाते कि नहीं, बट फिर भी प्लान इज़ ऑन। पहुँच गए हैं रेस्टोरेंट, ये इसे हमने अभी उठाया है, बहुत बारिश हो रही थी। तरन्नुम आप जानते होंगे मेरी फ्रेंड को, ये मिसबा है। और अजय से मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा चुकी हूँ। सो चलो खाते पीते हैं, थोड़ा पेट भरते हैं, थोड़ा मोटे होते हैं। दोस्त है अक्ष। अक्ष हाय बोलो। हाय 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 वाला हाय नहीं, हाय वाला हाय। तो हमें यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग करनी पड़ेगी, हम सबको अलग अलग बैठना है, दो लोग उधर दो इधर अलग अलग। हाँ तो करो करो ऑर्डर, ये देखो सबसे बड़ी बुकर। सबसे कम खाना खाने वाली यार, सबसे कम खाने वाली है आज तो। ठूस ले सुन लिया क्या? ये मोटी होके जाएगी आज यहाँ से। और मेन में एक और दोस्त आया मेरा, नए मेहमान आ गए दो लोग। ये मौलिक है, मौलिक, और ये है राहुल जिसका लूज मोशन हो गया था, पर फिर भी वो आ गया है। क्या खाएंगे राहुल आप? सैलेड? सैलेड या राहुल का पेट खराब? ऐसे ऐसे कमीने लोग होते हैं जिनका पेट खराब है फिर भी ये खाने आए हैं। I've
एक तंदूरी चिकन ऑर्डर किया है और ये क्या है सब्जी मुगलाई कौन सी सब्जी मुगलाई चिकन टिक्का ये मुगलाई चिकन टिक्का है मुगलाई बटर और उसके साथ हमने ये रोटी ये रोटी है तंदूरी रोटी हमने तंदूरी रोटी ऑर्डर किया है सैलेड ज़रूरी होता है खाने में सैलेड खाना चाहिए और दूसरी सब्जी वहाँ पर है वो कौन सी सब्जी है चिकन की ये वही सेम है तो सेम है ओके कॉपी पेस्ट ये हो गया तेरा नहीं मेरे पास टमाटर भी है टमाटर भी है हाँ टमाटर भी है और काजू भी है मेरे पास टिश्यू भी है और कुछ मेरे पास हड्डी है तेरे पास हड्डी है हाँ तू भी हड्डी है सो यहाँ का खाना बहुत लजीज है स्पेशली ये तंदूरी चिकन और हम कहाँ पर है लजीज रेस्टोरेंट में है हाँ इसलिए इसका नाम लजीज है क्योंकि इसका खाना लजीज है ओके सो आप जब भी वडोदरा में आएँ तो प्लीज़ विज़िट कीजिएगा लजीज रेस्टोरेंट में खा लेती हूँ यार अब मैं ये हमारी चिकन बिरयानी ख़त्म होने आई और ये है हमारा मटन बिरयानी देखने में तो बड़ा लजीज लगता है ओ जोमेटो वाले भैया कुछ भी आज सू जोमेटो की बन चला है मुंह दिखाने लायक नहीं रहा जॉब पर से आया वो बेचारा हाँ अब भी डिलीवर किया क्या डिलीवर किया तूने डिश में किसको डिलीवर किया कहाँ था कौन सा एरिया था चॉकलेट फ्लेवर क्या क्या किसको डिलीवर क्या क्या किया उसने ये क्या है क्या है क्या तू समझ नहीं मेरे को समझ आ रहा है बट ऐसे कौन बोलता ये हमारे ग्रुप में बहुत यू कैन से दैट ट्यूबलाइट पर्सन है उसे चीज बहुत देर से समझ में आती है ट्यूबलाइट ही मुझे समझ आया वो क्या बोला बट ऐसे कौन बोलता यार क्या समझ में आया तुझे चॉकलेट फ्लेवर डिलीवर किया इसको मेरे को नहीं तेरे को क्या सही में डूब लाइट तो बिल आ गया हमारे पास देखना तुझे जो देखेगा वो पे करेगा सॉरी मैंने आंखें फोड़ ली अपनी मुझे पता चल गया 4000 के आज ही देना जरूरी है मैं वो कुछ दिखा रही हूं इंस्टॉलमेंट करवा लूं इस बिल का ईएमआई करवा लो ईएमआई का उधार दे सकते हैं क्या वो हफ्ते बांध सकते हैं मेरे तो एल लग गए समझे चलो सब निकलो मुझे देख रहे हो चलो मैं कंगाल हो गई क्यों भाई क्यों हट भी रही है इसने सबसे ज्यादा खाया है एक्चुअली मैं जाते देखने जाओ से खाया कुछ नहीं खाया मैंने और एक ये है इस इंसान को मुंह दिखा देना बना ये जोमेटो वाले भैया ये जोमेटो वाले भैया ने ज्यादा खाया है इतना कौन खाता है अरे वो कहाँ गया एक इंसान गायब है और जो कैमरा कैमरा लेके खड़ा है उसने भी सबसे ज्यादा खाया दिखाने दे तेरा फेस दिखा दे मेरे को अब वो लूज मोशन वाला इंसान है कुछ नहीं खाया। ये कुछ नहीं खाया इसने इसका पेट खराब रहता है 24 घंटे खाता कुछ नहीं पर निकलता बहुत बहुत कुछ निकलता सही है क्या तनु को कैसा लगा एकदम मस्त था बढ़िया था चिकन की जो सब्जी थी उसका नाम था चिकन टिक्का बहुत अच्छा था और बिरयानी भी अच्छी थी और जो सब्जी थी वो मुगलाई चिकन बटर वो भी काफ़ी अच्छी थी तो आप ज़रूर ट्राई मिस बगा क्या कहना है मुझे तो सारा ही खाना बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं खाती हूँ कम हूँ एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा कम खाती है बंदी मिसबा इसको कुछ भी तो अभी हम हाँ अभी हम कहाँ जा रहे हैं चॉकलेट रूम जा रहे हैं ठीक है डेजर्ट के लिए ठीक है हम अभी सब लोगों का जब चाय का टाइम होता है तब हम डेजर्ट खाते हैं ऐसे बंदे हाँ एक्चुअली अभी करीबन कितना क्या टाइम हो रहा है 4 PM अभी 4 बज रहे हैं क्योंकि हमें बारिश की वजह से देर हो गया था हम नहीं पहुंच पाए थे रेस्टोरेंट में
खाने के टाइम पे, एंड हमने हम जस्ट अभी खाना खा के बाहर निकले हैं एंड अभी अभी हम जा रहे हैं डेजर्ट के लिए. शायद हम चाय, हमारा हाई टी शायद 6 o'clock होगा अब, ठीक है. लेकिन अभी हम पहले जाएंगे डेजर्ट खाने के लिए, चॉकलेट रूम. चॉकलेट रूम ठीक है, वो आ चुका है चॉकलेट रूम, इसलिए क्योंकि सोफिया बहुत ही मीठा कम खाती है. हाँ, मैं मीठा बहुत ज़्यादा कम खाती हूँ और मुझे सिर्फ चॉकलेट रूम का वो चॉकलेट पेस्ट्री, चॉकलेट रफल पेस्ट्री, हाँ वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है. स्वीट होता है और बहुत ज्यादा, मतलब उसमें, मतलब उसमें बिल्कुल भी आपको इतना शुगर नहीं लगेगा, बहुत कम मीठा होता है वो, इसलिए मैं वो प्रेफर करती हूँ और बहुत टेस्टी भी होता है वो. मुझे भी बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद. सो सब वो कंसीडर कर रहे हैं और हम वहाँ पे जाएंगे और वो भी खाएंगे और मैं आपको वीडियो बताती हूँ कैसा लगता है वो पेस्ट्री. हम अभी पेस्ट्री का वेट कर रहे हैं, हमने पेस्ट्री ऑर्डर कर दिया है और हमारी पेस्ट्री अभी गर्म हो रही होगी. सो क्या रिव्यू है आपके खाने को? बहुत बढ़िया खाना था और थैंक यू फॉर ट्रीट. ऐसे ही बढ़ते रहो और ट्रीट देते रहो, 2-3-5 million, 10 million हो जाए तो हमको ट्रीट मिलती रहे. गाइस प्लीज शेयर, लाइक, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो फॉलो ऑन इंस्टाग्राम सोफिया अंसारी.